मंजिलों पर पहुँच कर लेंगे हिसाब रास्तों का, है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए अयोध्या, बी सारनाथ, सी वाराणसी, डी कुशीनगर। सही उत्तर है बी सारनाथ। प्रश्न दो, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? ए ब्रह्मदेया, बी शालाभोगा, सी वेलनवगय, डी पल्लीच छांदम। सही उत्तर है डी पल्लीच छांदम। प्रश्न तीन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ए ग्यासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन सिकंदर शाह। सही उत्तर है ए ग्यासुद्दीन तुगलक। प्रश्न चार, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी जहांगीर। सही उत्तर है बी हुमायूं। प्रश्न पाँच, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ए मई 1929, बी मार्च 1926, सी सितंबर 1925, डी फरवरी 1922। सही उत्तर है डी फरवरी 1922। प्रश्न छह, ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ए नेविल चेम्बरलेन, बी स्टेनली बाल्डविन, सी सर विस्टन चर्चिल, डी जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड। सही उत्तर है डी जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड। प्रश्न सात, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मांड उपाधि दी गई? ए राजेंद्र प्रसाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न आठ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 123, सी अनुच्छेद 125, डी अनुच्छेद 127। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 123। प्रश्न नौ, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ए सात, बी नौ, सी बारह, डी पंद्रह। सही उत्तर है सी बारह। प्रश्न दस, निम्न में से किसके पास विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर है सी राज्यपाल। प्रश्न 11, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ए 60, बी 70, सी 80, डी 90।
सही उत्तर है डी 90। प्रश्न 12। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। सही उत्तर है सी 7। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। सही उत्तर है सी नर्मदा। प्रश्न 14। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी, बी व्यास, सी चेनाब, डी सतलुज। सही उत्तर है ए रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 15। गैलेरेज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए इटली, बी हवाई, सी मेक्सिको, डी कोलंबिया। सही उत्तर है डी कोलंबिया। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ए प्रोलेक्टिन, बी सेक्रेटिन, सी वैसोप्रेसिन, डी ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है बी सेक्रेटिन। प्रश्न 17। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ए टीटी, बी डीटी, सी डीपीटी, डी बीसीजी। सही उत्तर है डी बीसीजी, बेसिलस कॉलमेटग्यूरिन। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? बी मैग्नेटिक टेप, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही उत्तर है डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 19। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए 1974, बी 1976, सी 1980, डी 1984। सही उत्तर है बी 1976। प्रश्न 20। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ए गोवा, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही उत्तर है ए गोवा। और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों को करके निश्चित ही आपको मजा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। और मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।